उठाया फोन? जैन मैडम सर। करिश्मा सिंह। देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत है। आपको फंसाने के लिए एक चाल है। आप जो कुछ भी कर रही हैं, जहाँ भी है सब कुछ छोड़कर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचे। हम आपको बता हेलो हेलो क्या हुआ? काट दिया। नहीं हमें दीजिए, हम एक बार कोशिश। स्विच ऑफ है। हे भगवान, तो आप क्या करेंगे? हमें कुछ भी करके कैसे भी करिश्मा सिंह को रोकना होगा, वरना वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती हैं। चलिए मास्क मास्क मैडम सर मास्क। अरे सुन रहा है सांड, वो दारोगिनी आती होगी, कोई गड़बड़ी होनी चाहिए, और जो कुछ भी वहां हो रहा है पल पल की खबर मुझे देनी चाहिए तुझे। देते रहना। हाँ भैया जी। आ गई, आ गई भैया जी, आ गई। भैया जी अंदर गई, हम भी अंदर जा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं भैया जी। हाँ पुष्पा जी, सीधा पुष्पा जी। अरे सरकार ये तो आगे निकल गई। मुरारी तो इधर है। अरे पता तो बताया था ना, तो फिर दूसरी तरफ क्यों जा रही है? अरे भैया देखिए आप समझ नहीं रहे हैं। मतलब कहने का है कि वो ऑफिस के अंदर तो आ गई है, मगर वो जो मुरारी वाला दरवाजा था उसे छोड़कर भैया वो आगे निकल गई है। भैया आप कहें तो मैं उसे आवाज देकर बता दूं। अरे नहीं 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 नहीं, जितना बोलता हूं उतना कर। जी 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 भैया जी। किसी के चलने की आवाज आई ना? कोई है अंदर? मैडम सर मैडम सर। हाँ करो करो ट्राई करो, आराम से, यहां शोर मत करना। अरे हो क्या रहा है, बता बताता क्यों नहीं? करिश्मा सिंह कैसी हैं? बेहोश ही है अभी तक। ओ, तो शायद उनसे मुलाकात हो नहीं पाएगी।
अब हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिएगा। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? आप क्यों मांगेंगे उनसे माफी? एहसान तो उनको मानना चाहिए आपका, आपने उनकी जान बचाई है, वरना उनका क्या है? वो तो जा फंसी थी बिना सोचे समझे उस अंगद आचार्य के जाल में। वक्त पर पहुंचकर आप उनको अगर यहाँ नहीं लाई होती ना, तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था उनके साथ। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ उस बात का हमें थोड़ा सा अफसोस है। मिस बहुत करेंगे इस थाने को, आप सबको, और खास तौर पर आपकी और करिश्मा जी की सास बहू वाली चिक चिक को। फिर से एक बार सोच लीजिए ना मैडम सर, क्या ये ठीक होगा? माफी मांगने का आपका फैसला सही है? क्योंकि इस फैसले का बोझ आपको जिंदगी भर ढोना होगा। बस वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, जो हमें लग रहा है कि शायद सही है, जिसमें सबकी भलाई है। एक बात बताएं हम आपको, बहुत साल हो गए हमें पुलिस सर्विस में, बड़े बड़े अफसर आए गए, दुनिया देखी हमने, लोग देखे, मगर सच कहते हैं आपके जैसा बड़ा इंसान नहीं देखा। अंगद आचार्य, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप जीत ही गए। वो पुलिस वाली आपके आगे माफी मांगने के लिए तैयार हो गई, आप जो है ना अपनी बात मनवा कर ही छोड़ते हैं। बुर्बक भैया बलराज, एक ही बात है, एक माफी समारोह रखेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, वो टिड्डी है ना टिड्डी, अमुरारी, हाँ हाँ, गायब कर देना। न्यूज ये बनेगा कि इस थाना का अत्याचार से एक गरीब आदमी जो है परेशान होके गायब हो गया। इतना चिंगारी काफी है कि दैनिक पब्लिक भड़काने के लिए लोग खुद अपना हाथों से थाना जला देंगे। सड़ा हुआ प्याज। हाँ, मेरी माँ कहती है सड़ा हुआ प्याज किसी बेहोश आदमी को सूंघा दे तो फटाक से होश में आ जाता है। बिल्लू बिल्लू, इस वक्त हम सड़ा हुआ प्याज कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इनबिल्ट है। एक्सक्यूज। देखा, सड़ा हुआ प्याज। अमा तुम्हारी। हम कौन हैं? हम यहां कैसे आए? हम तो अंगद के ठिये पे गए थे ना उसको पकड़ने, और फिर दरवाजा एकदम से हमारे सर पर गिरा और हम बेहोश हो गए। तो फिर हमें यहाँ कौन लाया? वो मुझे नहीं पता मैडम, मैं तो अभी आई हूँ। इसे पता होगा, इसे पूछो। हमें कैसे पता होगा मैडम, हम तो सो रहे थे। बिल्लू को पता होगा, बिल्लू बताओ। मुझे ऐसे कैसे मुझे पता होगा, मैं तो तुम्हारे लिए समोसे लाने गया था, मुझे कुछ पता नहीं। क्या हमें क्या देख रही हैं आप? पुष्पा जी साफ साफ बताइए हमें यहाँ कौन लाया है। हमें क्या पता, हम थोड़ी ना हैं आपकी टीम में।
आया था किसी का, कहां आप बेहोश पड़ी है वहां पे, तो हम और हसीना मैडम जाके उठा के लेके आए आपको। हसीना मैडम किधर है? कहां होंगी, गई है वो आपके पापों का हिसाब चुकाने, उस अंगद से माफी मांगने। नहीं नहीं, माफी मांगनी उस अंगद के बच्चे से। आपने और कोई रास्ता छोड़ा है उनके लिए? कहा था 24 घंटे में केस सॉल्व करेंगे, मगर ये तो हो नहीं पाया, तो क्या करेंगी बेचारी? हम उस अंगद के बच्चे से मैडम सर को माफी मांगने नहीं देंगे। बस बस, इतनी तालियां मत बजाइए। आपको भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जहां जहां अत्याचार होता है, बस यूं समझ लीजिए कि हमको वहां जाना पड़ता। सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में है, तो हम भी उसका यूज करेंगे। आप भी सुन लीजिए, महिला पुलिस थाने की जो हसीना मलिक जी हैं, जो यहाँ 3 सितारा लेके घूम रही हैं, समाज में असत्य फैला रही हैं। मैडम सर, आप लॉकडाउन के दौरान मुरारी के साथ साथ यहाँ जितने भी मजदूर इस थाने में थे, उन पर बहुत अत्याचार किए गए। उन्हें मारा, पीटा, क्रिमिनल्स की तरह बर्ताव किया। उन्हें भूखा प्यासा यहीं तड़पता हुआ रखा इस थाने में। जहन्नुम से भी बदतर हालात बनाकर रखे थे इन सब के लिए। और ये सारे इल्जाम गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सारी बातें झूठ है। किसी पे अत्याचार नहीं हुए, किसी को भूखा प्यासा नहीं मारा। भैया जी, सच तो ये है कि मुरारी के साथ साथ यहाँ जितने भी मजदूर थे, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। यहाँ तक कि हमारी पूरी टीम ने हर एक मजदूर का एक परिवार की तरह ख्याल रखा, और इस बात के लिए हमें उन पर गर्व है। इसलिए माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बात अरे कोई फायदा नहीं है। वाह कमाल, क्या कहानी की पलटी मारा है। कोई बात नहीं, हमारे तरकश में अभी भी बहुत तीर है बाकी, अभी साबित किए देते हैं। जरा वो इनका तोहफा तो लेकर आ। अच्छा तोहफा? तोहफा जी भैया, भी लेके आते हैं। हाँ, गिफ्ट गिफ्ट। आइए आइए मुरारी भैया, आराम से आराम से। यहाँ यहाँ आइए। हाँ, यहाँ यहाँ। इनका नाम मुरारी है, मुरारी। अच्छा आप जरा बताइए कि आपके साथ इन्होंने क्या जाति की? हसीना मैडम बिल्कुल सच कह रही हैं। कोई अत्याचार नहीं हुआ हमारे साथ, बल्कि बहुत ख्याल रखा गया है मजदूरों का थाने में। आज हम अगर जिंदा हैं और सुरक्षित हैं, तो सिर्फ इनकी वजह से। इसके लिए महिला थाने के सभी सदस्यों को मेरे दिल से धन्यवाद। अबे पागल तो नहीं हो गया तू? षड्यंत्र हो रहा हमारे खिलाफ। झूठ को 1000 बार चिल्लाने से वो सच नहीं हो जाता। ये देखिए, आप जो सबूत आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, इससे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा।
ये बुरी बकवास। भैया जी बलराज वो फुतरु फुतरु है हमारे पास। अरे फुतरु पेन ड्राइव है ना भैया जी, अभी लगाते हैं, रुकिए। दिखा डाल के दिखाओ, आप देखिएगा, आप भी देखिएगा, देखिएगा ध्यान से और आप भी फैसला कीजिएगा। अरे ऐसा क्या देख रहा है, अभिनय जानता है? अभिनय तुझे भी ऐसा ही थोड़ा अभिनय करना है। दो लाइन बोलना है, ऐसा कह दे कि हमें पुलिस वालों ने मारा है और बदले में तुझे ई मिलेगा। देख लबो लबाब ये है कि हमको ये हसीना का अकड़ तोड़ना है, बस अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है, तेरे माध्यम से ही समझ ले। अंगद आचार्य जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मुरारी जी ने आपके ही खिलाफ बयान दिया है। झूठ है ये सब, सफेद झूठ, सफेद झूठ। बताओ सच क्या है पूरब को? मिस्टर अंगद आचार्य, ज्यादा फड़फड़ाने का जरूरत नहीं है, अब नहीं तो वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा, समझे? देखा, ये है हमारी प्यारी बहुरानी। बहुत टाइम से ना तुम्हारा खातिरदारी करने का ना हमारा मन हो रहा था, आज हमको मौका मिला है। ऐसा खातिरदारी करेंगे ना कि देखते रह जाएंगे सब। देखा आपने? अरे पब्लिक में सबके सामने ये धमकी दे रही है कि हम आपकी हजाम पट्टी कर देंगे, तो अकेले में क्या करते होंगे ये लोग? देखिए जो खेला आप खेल रहे हैं ना, ये खत्म हो चुका है। आपने अचानक अंगद के अगेंस्ट जाने का फैसला कब किया? हमारा मार याद आ गया होगा ना। सब कुछ आपके मार की वजह से तो शुरू हुआ। मतलब आपको मेरा पता बताना ये अंगद की ही चाल थी। अंगद चाहता था कि आप मुझ तक पहुंचे, गुस्से में आकर मुझे मारे पीटे और इसका वीडियो बनाकर मैं अंगद को दूं। अंगद का इरादा उस वीडियो से इस थाने को बदनाम करना और मजदूरों को भड़काना था, ताकि मजदूर गुस्से में आकर इस थाने को आग लगा दे। आप तो नहीं पहुंची पर मैडम जी पहुंच गई। चलिए पुष्पा जी, आप निकलिए, हम आते हैं। मगर आप कहाँ जा रही हैं? हमें अंगद का बिछाया हुआ जाल समझना है। आप चलिए, हम हैंडल कर लेंगे। मैडम सर, जिस जाल में फंसने से आप करिश्मा मैडम को बचा रही हैं, उसी जाल में आप फंसने जा रही हैं। पुष्पा जी, अगर हम फंसते हैं तो हम वैसे भी सस्पेंड होने ही वाले हैं, कम से कम थाना तो बच जाएगा, लेकिन अगर करिश्मा जी इसके साथ फंसती है तो पूरा का पूरा थाना बंद हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं हम क्या करें, आप जाइए, हम हैंडल कर लेंगे। आप जाइए जल्दी प्लीज। जी मैडम सर। जी अरे भैया जी, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या हो गया बता दो। अरे भैया जी, वो क्या है ना, पीछे पीछे SHO हसीना मलिक आ गई और थानेदारनी को बेहोश करके अपने साथ ले गई। अब भैया जी मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा, मैं भी जाता हूँ। हैं बाहर मक्खियों को देखकर हम समझ गए थे कि गुड़ कहीं आसपास ही होगा। घबराओ मत, हम तुम्हें मारने पीटने यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आए। हम जानते हैं तुमने ये सब क्यों किया। अंगद ने तुम्हें बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है, नहीं? मैडम, हम अंगद जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। इनफैक्ट हो सकता है कि सारा काम खत्म होने के बाद वो तुम्हें मार दे। ये लो कुछ पैसे रखो और जितनी जल्दी हो सके यहां से कहीं दूर चले जाओ। तुम्हें कुछ हो जाए इससे अच्छा ये थाना बंद हो जाए। ये लो पैसे, चलो अब जाओ, जल्दी करो। मैंने आपको धोखा दिया मैडम, फिर भी आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं? घबराओ मत, अब भी वक्त है। कैसे? इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसमें हमने कबूल कर लिया है कि जितने भी तुम पर जुल्म किए हैं वो हमने किए। अगर तुम्हें अंगद पर भरोसा है तो ये पेन ड्राइव उसे देकर अपने पैसे ले लेना, और अगर हम पे भरोसा है तो अब हम जो कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। बाहर जो हमने क्लिपिंग देखी वो आपने मैडम सर के कहने पर बनाई थी? हाँ,
मुझे पता चल चुका था कि अंगद और उसके आदमी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गायब करना चाहते हैं। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, अपना काम खत्म हुआ, टिड्डे गायब कर देना। मतलब मुरारी को? फिर मैंने मैडम जी की बात मानी और वैसे ही किया। झूठ को सच बनाना। अब हुआ ये, तुझे थाने के अंदर मारा गया है। फिर मैंने अंगद का पेन ड्राइव अपने से बदल दिया। ये सब मैडम सर का ही प्लान था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिए और बाहर निकलते ही मास्क और ग्लव्स पहन लेना। जी। देखा ओहो, देखा, ये होती है जज्बात की ताकत। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी हमदर्दी किसी को भी अपना बना सकती है। जरूरत है तो बस उस इंसान को इंसान समझने की। और आप ना शुक्र मनाइए कि सही वक्त पर हम और हसीना मैडम उस अंगद के ठिए पर पहुंचे और आपको अंदर जाने से रोका, वरना आप तो गई थी बेभाव। एक मिनट, किसने हमें अंदर जाने से रोका? मैडम सर, हम अभी आए। मतलब दरवाजे के पीछे से मारा आपने हमें? ये कैसे किया पुष्पा जी आपने? पुष्पा जी, यू आर बैड सासू मां। ये घरेलू हिंसा है और वो भी पीछे से। देखो, चुप, मिलो। ओ, हमको थोड़ी पता था दरवाजे की उस तरफ आप हैं। अच्छा। हाँ, वरना हम तो थोड़ा और जोर से धक्का मारते। कुछ कहा पुष्पा जी आपने? नहीं नहीं, मतलब ऐसे ड्यूटी पे निजी होने का मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। सही है, मतलब मौका मिलेगा तो हाथ उठा देंगे आप हमारे ऊपर। फर्ज, रिश्तों से बड़ा होता है ना फर्ज। अपना फर्ज अपने पास रखिए, हमें मत बताइए। बस करेंगे आप लोग। देखिए करिश्मा। थैंक यू मैडम सर। घर नहीं जाना है? मासूमियत। देखिए करिश्मा सिंह, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जानबूझकर आप पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। आपको तो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं हम। मैडम सर, अंगद के टट्टू पंजों से तो हम निपट लेते, लेकिन आपने हमारे बारे में सोचा, इसलिए धन्यवाद। अच्छा मैडम सर, हमारी समझ में ना एक बात नहीं आई। मतलब आपको पता कैसे चला कि मुरारी आपके प्लान में शामिल हो जाएगा? Yes, same here. जीता, सच कहें तो हमें नहीं पता था, पर फिर हमने सोचा कि दोनों ही सूरतों में जीत तो हमारी ही है। अगर मुरारी हमारी बात नहीं मानता और वो पेन ड्राइव दे देता, तब भी सारा का सारा ब्लेम हम पर आता, लेकिन ये थाना बच जाता। और अगर वो हमारी बात मान लेता तब भी ये थाना बच जाता, जो कि हुआ। अरे वाह मैडम सर, मतलब क्या चौचक प्लान बनाई थी आप। ओ मैडम सर, सुबह आपके लिए एक लेटर आया था, मैं देना भूल गई। इसे सैनिटाइज किया था? जी मैडम सर। पढ़ो। आप घर आइए, हमें लास्ट वार्निंग दे रही हैं। ओ क्या है, दिखाओ उधर। अरे ऐसा क्या है इसमें, दिखाइए हमको। अरे दिखाओ ना। ओह डैम, हमें ऐसा भी का भूत देख लिया सबने, जो सबके जबड़े लटक गए हैं। क्या लिखा है इस लेटर में पुष्पा जी? इंग्लिश। आप ना इस अलमारी को पकड़ के खड़े रहिएगा, क्योंकि इस लेटर में क्या है ये सुनने के बाद आप शायद फिर से बेहोश वगैरह हो सकती है, और फिर हमें ही आपको उठा के अंदर लेके जाना पड़ेगा ना। मतलब सीधा सीधा आपसे बात नहीं होता है ना पुष्पा जी? हाँ, कुछ भी नौटंकी चल रहा है। बताएंगी क्या लिखा है इस लेटर में? बताएं। इस लेटर में लिखा है कि मैडम सर का सस्पेंशन
रद्द हो गया है, अब वो कहीं नहीं जा रही है। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम सर। थैंक यू। आप मैडम सर को मुबारकबाद नहीं देंगी? मुबारक हो मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.